जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 451 से 500 तक के सभी सवालों को मैं आपके सामने अब पूरा बताऊंगा। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो सभी ध्यान से देखें। हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये सीरीज में आपका स्वागत है। और ये वीडियो जो है HPPSC एग्जाम्स और साथ में HP टैट, HP पुलिस और पटवारी के सभी एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो होने जा रहे हैं। ये अलाइड सर्विसेज में भी यहीं से ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आप बहुत बेहतर तरीके से जो है इनको परफेक्ट करिए कि हम इन क्वेश्चंस से ही क्वेश्चंस से अपनी तैयारी को जान सकें। और जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप उसको भी या उनमें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूले। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सिरमौर का कौन सा राजा लॉर्ड एम्स्टर्ड की आयोजित दरबार में जो है वो उपस्थित हुआ था? तो वो थे फतेह सिंह। क्या नाम था उनका? फतेह सिंह। तो क्या नाम था बेटा उनका? फतेह सिंह। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया? तो सिखों ने जो है, यानी कि अंग्रेजों ने सिखों को जो है वो 1846 में पराजित किया था। कब किया था? 1846 में पराजित किया था। क्या आंसर रहेगा? 1846। तो इसका सही आंसर रहेगा 1846 में इन्होंने पराजित किया था। अगला सवाल है 16 मार्च 1846 को अंग्रेजों ने किस राजा के साथ अमृतसर की संधि की थी? तो किस राजा के साथ की थी? राजा गुलाब सिंह के साथ जो है संधि की थी। राजा गुलाब सिंह, इसका सही आंसर रहेगा राजा गुलाब सिंह। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने छोटा दिखाने के लिए इसे क्या कहा? तो इसे छोटा, यानी कि विद्रोह था ये, तो इसको छोटा दिखाने के लिए कि कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए इसको सिपाही विद्रोह कहा था। क्या कहा था? सिपाही विद्रोह कहा था। अगला सवाल है, 1945 में राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, के निवास समर हिल मैनरो बिला में कौन रुके थे? तो मैनरो बिला में जो है सन 1945 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रुके थे। कौन रुके थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगला सवाल, शिमला कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये भी राष्ट्रपति भवन में जो है आयोजित हुई थी, जिसे हम वाइसरीगल लॉज भी कहते हैं या राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। ये शिमला में वहां पर आयोजित हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस। अगला सवाल है, उच्च अध्ययन संस्थान, यानी कि जैसे हाई स्टडीज अगर हमें करनी हो तो किस भवन में स्थित है? तो वो भी शिमला के वाइस रीगल लॉज में जो है वो स्थित है। अगला सवाल, कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू और कांगड़ा के राजाओं को मुगल सम्राट अकबर की संप्रभुता को विरोध, यानी कि रोकने के लिए संगठित किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों वो है विधि चंद। क्या आंसर रहेगा? विधि चंद। अगला सवाल, 1909 में शासकों के अत्याचार के विरुद्ध मंडी के किस नेता ने आवाज उठाई थी? तो मंडी के किस नेता ने जो है वो आवाज उठाई थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा शोभा सिंह। क्या नाम रहेगा? शोभा सिंह जो है वो इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र 1914-15 के नेतृत्व हुआ था तो ये किसने किया था? तो ये गदर पार्टी ने जो है इसका नेतृत्व किया था, ये इसका सही आंसर होगा बच्चों। अगला सवाल, अगला है, लाहौर षड्यंत्र में किसे पकड़ा गया था? तो लाहौर षड्यंत्र में जो है वो किसे पकड़ा गया था? तो वो था हृदय राम। कौन थे? हृदय राम को जो है वो पकड़ा गया था। अगला सवाल है, बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू हुआ? तो बिलासपुर में जो है भूमि बंदोबस्त अभियान जो है वो शुरू हुआ था 1930, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के साथ हुआ था, सन 1930। अगला सवाल, 13 जुलाई 1939 को शिमला प्रजामंडलों की एक सभा जुब्बल में बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थी भागमल के द्वारा जो है वो की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भागमल सोहठा, ठीक है, भागमल सोहठा के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी, या उनके द्वारा जो है वो अध्यक्षता की गई थी। अगला आ गया धामी गोलीकांड, कई पेपरों में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको परफेक्ट करिए बच्चों। 16 जुलाई 1939 को मैं कितने लोग मरे थे? तो इसमें सिर्फ 2 लोग मरे थे, गोलीकांड हुआ था। कितने मरे थे? 2 मरे थे। हिमालयन रियासती प्रजा मंडल का गठन कब हुआ था? तो ये रियासती प्रजा मंडल का गठन जो है वो उसी वक्त हुआ जब धामी गोलीकांड हुआ था, सन 1939 इसका आंसर रहेगा। सिरमौर के प्रजा मंडल आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये थे हमारे चौधरी शेरजंग डॉक्टर देवेंद्र सिंह और शिवानंद रमौल। तो आपके अगर मन में ये क्वेश्चन सारा हो तो इन तीनों में से एक व्यक्ति का नाम होगा, तीन ऑप्शन जो होंगे गलत होंगे, ये दिमाग में रखिएगा इस टाइप से। नेक्स्ट आता है, सन 1943 में यशवंत सिंह परमार ने सिरमौर एसोसिएशन की स्थापना कहां से की थी? तो उन्होंने की थी दिल्ली से, ये स्थापना की थी, कहां से की थी? दिल्ली से स्थापना की थी। अगला सवाल, बघाट के राजा दुर्गा सिंह के नेतृत्व में 26 से 28 प्रजा मंडल तथा राजाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? ये हुआ था सोलन में, प्यारे बच्चों, कहां से हुआ था? सोलन में, इसका सही आंसर सोलन रहेगा। अगला है, हिमालयन प्रांत की कार्यवाहक सरकार का गठन शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में कहां पर किया गया था? तो ये भी कहां पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था, प्यारे बच्चों, कहां पे किया गया था? दिल्ली में। अगला सवाल, सुकेत के राजा द्वारा भारतीय गणतंत्र में न मिलने पर सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका नेतृत्व किया था पंडित पदम देव। कौन थे? पंडित पदम देव, ये इसका सही आंसर है। अगला है, हिमाचल में की संविधान निर्मात्री विचार विमर्श समिति के सदस्य कौन थे? तो वो थे भागमल सोथा। कौन थे? भागमल सोथा जो थे वो इसके सदस्य थे। नेक्स्ट आता है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल ने प्रदेश का नाम हिमाचल रखने का विरोध जताया था, तो हिमाचल के स्थान पर किस नाम का सुझाव था? वो था हिमालयन प्रांत। क्या नाम रखना चाहते थे हिमाचल का? हिमालयन प्रांत। नेक्स्ट, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948। अगला है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का विलय कब हुआ? इनकी बिलासपुर को कब मिलाया गया था? तो ये छठा जिला बना था, तो ये सन 1954, 1954 को जो है वो बिलासपुर को जो है हिमाचल का जिला बनाया गया था। अगला है, या विलय किया गया था, पंजाब के कुछ क्षेत्रों का प्रदेश में विलय कब हुआ? जब यानी कि पंजाब के कुछ क्षेत्र थे तो इन्हें भी मिलाया गया था, जैसे कि कांगड़ा के कुछ क्षेत्र थे, तो सन 1966। तारीख रहेगी 1 नवंबर 1966 को मिलाया गया था। अगला सवाल है, महासू देवता की प्रशंसा में कौन सा गीत
गाया जाता है। तो विशु गीत जो है महासु देवता के याद में या उनके लिए जो है वो गाया जाता है प्रशंसा में। अगला है फुलेच अर्थात फूलों का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो फूलों का त्योहार जो है वो किन्नौर जिले में मनाया जाता है। बच्चों नोट करिएगा, याद रखिएगा, फूलों का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, किन्नौर। लाहौल में दीपावली को क्या कहा जाता है, तो लाहौल स्पीति में जो है यानी कि लाहौल के लोग जो हैं दिवाली को खोजला कहते हैं। क्या कहते हैं, खोजला कहते हैं। अगला सवाल है निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद, कई पेपरों में आया हुआ है भुंडा उत्सव जो है हर 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति सन 1951 में दामोदर दास द्वारा कुल्लू लाई गई थी और कुल्लू के किस राजा ने इसकी स्थापना की थी, तो राजा जगत सिंह जो है वो इसका सही आंसर है, राजा जगत सिंह। त्रिलोकीनाथ, अर्धनारीश्वर, पंचवत्र, भूतनाथ मंदिर ये कौन से जिले में स्थित हैं, तो ये हैं आपके मंडी जिले में। कौन से में है, मंडी जिले में स्थित है। अगला है महिषासुर दर्मनी की मूर्ति जो है वो कहाँ पर है, वो है जुब्बल हट्टी के हार्ट पोटरी मंदिर में, जहां पर एक बड़ी से पतीले को भी बांध के यानी कि रखा हुआ है। ठीक है जी, अगला सवाल है लक्ष्मणा देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर, शक्ति देवी मंदिर, गणेश मंदिर और नंदी और चतुर्मूर्ति कहाँ पर स्थित हैं, ये सभी भरमौर और चंबा जिले में स्थित हैं। भरमौर मतलब चंबा का ही एक शहर। अगला है त्रिपुरा मंदिर या को की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो त्रिपुरा मंदिर की जो माता की जो मूर्ति है वो है कुल्लू में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, कुल्लू में स्थित है। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शैली की पहाड़ी लघु चित्रकला किसकी देन है, तो शेऊ की है। किसकी है, शेऊ वंशज की, शेऊ वंशज की। नेक्स्ट आता है गुलेर दरबार में लघु चित्रकला को किसने प्रारंभ किया था, तो वो था मनुक और नैनसुक। मनुक और नैनसुक ने जो है ये चित्रकला को जो है प्रारंभ किया था। अगला सवाल है फाटू और पद्मा प्रसिद्ध कलाकार किसके दरबार में थे, तो ये थे संसार चंद के दरबार में। नेक्स्ट आ जाता है किस समय काल में हिमाचली चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी किस वक्त को जो है बहुत ज्यादा हिमाचली चित्रकला का जो है वो फेमस हुई थी, वो हुई थी 1750 से लेकर 1850 तक, 1750 से लेकर 1850 के बीच में। अगला है चंबा में पहाड़ी लघु चित्रकला के विकास में किस राजा के कार्यकाल में हुआ था, तो राजा पृथ्वी सिंह। किसके कार्यकाल में हुआ था बच्चों, राजा पृथ्वी सिंह के कार्यकाल में जो है चित्रकला बहुत ज्यादा विख्यात हुई। अगला है विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में चंबा के किस शासक का चित्र सुरक्षित है, तो राजा उग्रसेन का जो है चित्र जो है वो उन्होंने अपने पास संजोया रखा हुआ है। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई, पहले भी कल भी आया था नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, तो 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो है चंबा जिले में। ठीक है जी, अगला सवाल है कुल्लू के नगर में रॉरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2012 में। कब हुई थी, 2012। अगला है शोभा सिंह आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में, कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी। अगला सवाल प्रक्षेणी और नट्स रंभ और चेरी क्या है, तो ये एकल नृत्य है, नृत्य करने के लिए के जो है वो नाम से पुकारा जाता है एकल नृत्य। पतझड़ की फसल की कटाई पर कुल्लू में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो काठी नाच जो है वो नृत्य जो है पतझड़ के समय में जो है कटाई के समय
किया जाता है। अगला आ गया बूढ़ा नृत्य किसे कहां पर प्रसिद्ध है, तो बूढ़ा नृत्य जो है वो है सिरमौर जिले में। कहां पे है? सिरमौर जिले में। अगला है सिरमौर के बूढ़ा नृत्य में किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, तो वो है हुरकी। कौन सा है? हुरकी। क्यांग और वाक्यांग और व्योनांग वो न्यांग्यु क्या है, तो ये भी किन्नौर के जो हैं लोक नृत्य हैं प्यारे बच्चों। क्या है? लोक नृत्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है विशु नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो विशु जो है वो सिरमौर और शिमला के ऊपरी पहाड़ी इलाकों का है, ठीक है, ऊपर के इलाकों का है विशु। और लास्ट है मंजूरा एकल नृत्य कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी शिमला और सिरमौर से ही जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे पूरे 500 सवाल जिनका हमने आज आपको 500 तक का कवर किया है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस आपको मैं लेकर आऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पे और इसी वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। दोबारा से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।